हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांटेशन के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, कैसे आप अपने घर पे ही एक मिनी गार्डन तैयार कर सकते हैं, एक टेरेस गार्डन तैयार कर सकते हैं। और गार्डनिंग का भी शौक बहुत सारे लोगों को होता है, तो उनके लिए मैं एकदम इनिशियल स्टेज से वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं कि पॉट आपको किस तरह के लेने चाहिए, उसमें कैसे प्लांटेशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने ये दो तरह के प्लांट्स लिए हैं नर्सरी से, जिसे कहते हैं डहेलिया। इसमें बहुत वैरायटीज है, 42 वैरायटीज होती है इसकी। और एक हमने लिया है फ्रेंड्स ये गेंदा, जिसे कहते हैं। इसके भी बहुत सारे शेड्स और कलर्स आते हैं, येलो आता है, ऑरेंज आता है, डार्क ऑरेंज आता है, डार्क येलो आता है, येलो ऑरेंज रेड मिक्स भी आता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये दोनों लिए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पॉट खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉट में ये बैक में होल जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पॉट है, पहली बात तो पॉट मिट्टी का ही ले फ्रेंड्स, प्लास्टिक के भी बहुत तरह तरह के पॉट्स चले हैं, उनपे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो सुंदर तो लगते हैं पर वो गर्मी में पौधे को उतनी ठंडक नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें, उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जितने अच्छे मिट्टी के पॉट होते हैं उतने अच्छे प्लास्टिक के पॉट नहीं होते हैं। मैंने खुद प्लास्टिक का पॉट लगाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये प्लास्टिक का पॉट है जिसमें मैंने गुलाब लगाया हुआ है, ये प्लास्टिक का है, ये भी बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर गर्मी है और आपको अपने पौधे को लॉन्ग लास्टिंग करना है और ज्यादा केयर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का मिट्टी का गमला जरूर ले लें। ये पुराने हो चुके हैं गमले, बहुत पुराने नहीं है लेकिन फिर भी फेडेड हो चुके हैं। इसको भी मैं पेंट करना बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के मीडियम साइज के आप ले सकते हैं, बड़े साइज के भी गमले मिलते हैं मार्केट में। इसमें मैंने शमी का पौधा लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स, क्या है कि सबसे पहले पॉट में होल होना बहुत जरूरी है। इस होल को हमें ऐसे ही नहीं रखना है, हमें पहले अपने गमलों को भिगो लेना चाहिए। ये मेरा यूज्ड गमला है इसलिए मैं इसमें ऐसे ही बता रही हूं। और इस तरीके की आपको गिट्टी होनी चाहिए आपके पास, टूटी हुई दियाली ले सकते हैं आप, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा। इसको हमें फ्रेंड इस तरह नहीं रखना है, इस तरह नहीं रखना है, ये होल बंद नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप, ये होल बंद नहीं होना चाहिए। इसको हमें ऐसे पलट के रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप पलट के रखेंगे तो आपका होल भी दिखता रहेगा और पानी भी इजिली, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा नहीं होगा वो गमले में जितना नमी भी देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कोई भी टुकड़ा रख देना है। दो पौधे हम लगाने वाले हैं आज, इस तरह से फ्रेंड्स हमें इसको रखना है, कभी भी ऐसे नहीं रखना है, हमेशा ऐसे रखना है जिससे पानी जाता रहे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है हमें सबसे पहले, तो जब भी, वैसे तो फ्रेंड्स पौधा जब भी लाए आप नर्सरी से ही लाए, नर्सरी का पौधा में रूट्स होती हैं। पौधे हमेशा फ्रेंड्स ये देख के लाए कि उसमें रूट्स होनी चाहिए, रूट्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, तभी पौधा चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमें मिट्टी डालनी है पॉट में। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मिट्टी डालनी है, थोड़ा भर लेना है इसको। देन फ्रेंड्स हम ये पैकेट को फाड़ के लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स पैकेट को फाड़ लिया हमने। फ्रेंड्स, हमें कैसे पता करना है कि ये पौधा हमारा ज्यादा चलेगा,
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पौधा कितना अच्छा है। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया लंबी लंबी रूट्स हैं। ये जड़ें होना बहुत जरूरी है, ये जड़ें बताती हैं कि हमारा पौधा कितना चलेगा। ये जो लंबी लंबी जड़ें हैं आप नर्सरी में ही चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो आप वापस कर सकते हैं, क्योंकि ये जड़ें जितनी ज्यादा अच्छी से होंगी उतना ही बढ़िया ये पौधा चलेगा। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, इसको हमें इसमें ऐसे करके लगाना है। पहले हमने मिट्टी रखी, पहले हमने मिट्टी डाली, उसके बाद हमने ये पौधे का बेस डाला। अब इसको हमें सीधा सीधा लगाना है फ्रेंड्स। जैसा कि ये बहुत ही हाइट का पौधा है तो इसको हमें सपोर्ट देने के लिए इस टाइप की स्टिक लगानी पड़ती है। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप वहीं पर मालिक से बोल सकते हैं कि भाई हमें नर्सरी वाले भैया हमें ये स्टिक लगा के दो। अब फ्रेंड्स हम इसको फिर भर देंगे, बहुत हल्का हल्का नीचे से हम ऐसे कर देंगे। इसकी जड़ें बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत संभाल के हमें करना है ये। थोड़ा सा इसका भी मिट्टी निकाल के अच्छे से हमें इसको जमा देना है इसके अंदर। हर पौधे का फ्रेंड्स अपना अपना एक वो होता है, किसमें कब खाद डालनी है, कैसे डालनी है, सब पे मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो गमले में हमारा एक इतना फ्रेंड्स गैप होना ही होना चाहिए, इतना आप उसको खाली रखिए पानी भरने के लिए। ये फ्रेंड्स हमने अपना डहेलिया का पौधा लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमें इसकी केयर करने के लिए क्या ध्यान रखना है, जो इसकी लीव्स हैं उसमें जो भी आपको कहीं दिख रहा है ब्राउन कलर का सूखा सूखा पत्ता हो रहा है, आप उसको तोड़ दीजिए। जैसे ये ब्राउन कलर का सूखा सूखा पत्ता हो रहा है, ये फ्रेंड्स इसे आप तोड़ दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से है, दिख रहा है फ्रेंड्स इस टाइप से जो ये है, ये सूखा सूखा पत्ता, इसे आप तोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लांटेशन एक पौधे का हो गया। ये बहुत ही आसान है, पर ये बहुत ही अच्छी हॉबी है फ्रेंड्स। गार्डनिंग हम सबको बहुत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रीनरी की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम आजकल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होने की वजह से पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि हमें प्लांटेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। इसलिए प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाती हूँ, मैं अपने छोटे से मिनी गार्डन का वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगेन ये गमला है, इसमें हमने इस तरीके से गिट्टी डाली। अब इसमें हम थोड़े में ये मिट्टी को डालेंगे, कहीं से भी मिट्टी आप ले सकते हैं, पीली मिट्टी और भी अच्छी रहती है, पीली मिट्टी हुई, मिट्टी हुई, सबको मिक्स करके, खाद मिक्स करके आप इस तरह से इसमें डालिए, आपका पौधा बहुत चलेगा। देखिए फ्रेंड्स आधा हमने ऐसे भर दिया इसको, आधा हमने मिट्टी से ऐसे भर दिया। अब हम इस पैकेट को फाड़ेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इसको हमने फाड़ दिया ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स ये पौधा भी हमारा खूब चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी सब मैंने पौधे कब लगाए थे, कितने चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें जितनी अच्छी होंगी ना फ्रेंड्स पौधा उतना ही चलेगा। तरह से फ्रेंड्स हम इसको भर लेंगे। जो फ्लावरी प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स उनको हमें धूप सनलाइट प्रॉपर वाटरिंग सनलाइट देना बहुत जरूरी है,
नहीं तो वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, जल जाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप। और फ्रेंड्स जो एयर प्यूरिफायर प्लांट्स होते हैं उनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिन्हें आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, बेडरूम्स में भी रख सकते हैं। वो क्या है ना, एयर प्यूरिफाई करते हैं, मतलब घर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलती हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करती हैं। वो प्लांट्स अलग आते हैं, उनमें क्या है फ्रेंड्स, आप वंस इन अ वीक पानी डालें सर्दियों में, और गर्मियों में उनमें बहुत ज्यादा नमी, जितना ज्यादा आप उसमें पानी डालेंगे उतना अच्छा वो पौधा खिलेगा। पाम ट्रीज वगैरह होते हैं अलग अलग तरह के। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौधे में यहां से 1 फिंगर का गैप होना चाहिए, इस तरह से आप गैप छोड़ दीजिए और आप आराम से इसमें पानी डालिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैंने 2 गमले में आपको पौधे कैसे लगाते हैं बताया है। ये रहे वो 2 गमले, आप देख पा रहे होंगे। अब हम फ्रेंड्स इनमें पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको भर देना है, और अब क्या है कि जितना इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा निकल जाएगा, जो हमने होल थोड़ा सा खाली छोड़ा था, और जितना वाटर इसमें जरूरी है वो उस गिट्टी को लगाने की वजह से इसमें ठहरा रहेगा और नमी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच।